बाइक से शाम के टाइम पे, तो इनको एक लेपर्ड का बच्चा भी मिला इसी एरिया में। और इन्होंने देखा कि लेपर्ड शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था, लेपर्ड का बच्चा कब, उसका एक फ़ोटो है क्या वो लेपर्ड वाला, अगर आप चाहें तो एक। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए YouTube चैनल में। और अभी इस वक्त मैं हूँ जयपुर में सीकर रोड पे, विद्याधर नगर एरिया में। आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको मणिपाल हॉस्पिटल मेरे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। और आज मैं आपको लेके चलूँगा जयपुर में एक ऐसी अनसीन डेस्टिनेशन जो जयपुर वालों को भी ज़्यादा पता नहीं है, बहुत लिमिटेड गिने चुने लोगों को ही पता है, जो कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है जयपुर में, वहाँ से तकरीबन 5-7 किलोमीटर आगे है। और मैं एक ऐसे दो लोकेशन लेकर चलूँगा आपको, एक तो घने जंगलों के बीच में हनुमान जी का एक मंदिर है, और वो ऐसी एग्जॉटिक लोकेशन है जहाँ एक ही जगह पर तीन तरीके के लैंडस्केप आपको मिलेंगे। एक तो डेजर्ट मिलेगा वहाँ पे, एक अरावली की पहाड़ियाँ मिलेंगी, और घने जंगल डेंस फॉरेस्ट भी मिलेगा जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है खूब सारे। उसके बाद उस मंदिर का दर्शन कराने के बाद मैं आपको वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर आगे लेके चलूँगा, वो और भी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में है, बिल्कुल आइसोलेटेड डेंस फॉरेस्ट में। और वहाँ शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना है, जिसका नाम है भूतेश्वर महादेव मंदिर, और हनुमान जी वाले मंदिर का नाम है धनुषधारी हनुमान जी मंदिर। और धनुषधारी हनुमान जी की खासियत ये है कि वो शायद इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा ने धनुष को धारण कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, और दोस्तों बस आकीड़ा डूंगर गांव की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, धनुषधारी हनुमान जी की तरफ, और ये सामने अरावली की पहाड़ियाँ हमें देखनी चालू हो गई है। ये हमारे सामने हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक काफ़ी बड़ा सा तालाब दिख रहा है, और गर्मी के दिनों में जानवरों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और दोस्तों हमें हनुमान जी का जो मंदिर है उसका तोरण द्वार अभी से दिखना चालू हो चुका है, वो रहा, उसी रास्ते हम लोग जाएंगे धनुषधारी हनुमान जी। इतनी हरियाली है जबकि अभी गर्मी का मौसम जून का महीना है। मानसून के टाइम में इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में क्या मानो तो पूरे राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियां हैं अरावली की पूरी हरी हो जाती है। तो राजस्थान का असली मजा है मानसून में दोस्तों। अब वो हनुमान जी का मंदिर आने ही वाला है, और आगे कुछ ही मीटर की दूरी के बाद नाहरगढ़ सेंचुरी का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। ये जो आपको आगे एक दीवार सी दिख रही है सामने, यहाँ से नाहरगढ़ सेंचुरी शुरू हो जाता है कि ये जंगली जानवरों का घर है, उनका प्राकृतिक आवास है। और यहाँ की फौना में जो सबसे बड़ा प्रेडेटर है वो है लेपर्ड और हाइना। लेकिन दोस्तों जनरली लेपर्ड्स की मूवमेंट शाम को ही स्टार्ट होती है या अर्ली मॉर्निंग, दिन में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता लेपर्ड का। लेपर्ड को वैसे भी होस्ट ऑफ द जंगल बोला गया है, और लेपर्ड बेसिकली बहुत ही शाई एनिमल है जो जल्दी आना नहीं चाहता किसी इंसान के सामने। दोस्तों अभी हम लोग इस वक्त आ चुके हैं विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के आकेड़ा डूंगर पुलिस चौकी के पास। दोस्तों ये देखो धनुषधारी हनुमान जी का ये प्रवेश द्वार है, यहीं से तोरण द्वार, और यहाँ से हनुमान जी का एरिया शुरू हो जाता है मंदिर का। और बिल्कुल इसी द्वार के पास एक अच्छी सी चाय की दुकान है जहाँ मस्त कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, हम लोग भी चाय पीने के लिए यहाँ रुके हैं। और
और चाहिए हमारे इन्हीं की शॉप है भैया का जी। भैया हाँ भैया, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री राम मीना जी है और इनकी चाय अभी हम लोगों ने पी है और इतनी बढ़िया चाय, मैं तो अक्सर आता हूँ यहाँ पर और बहुत टेस्टी चाय कुल्हड़ वाली। और भैया आपको बताएंगे कि इस एरिया में वाइल्ड लाइफ का कितना वो है। और यहाँ तक भी मैं बताऊँ आपको कि एक बार भैया आ रहे थे कहीं मोटरसाइकिल से, बाइक से शाम के टाइम पे, तो इनको एक लेपर्ड का बच्चा भी मिला इसी एरिया में। और इन्होंने देखा कि लेपर्ड शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था, लेपर्ड का बच्चा कब, तो इन्होंने उस बच्चे को सुरक्षित अपने साथ लाकर वन विभाग वालों को तुरंत इत्तला की और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर उसको नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर ले गए। तो भैया उसका एक फ़ोटो है क्या वो लेपर्ड वाला, अगर आप चाहें तो एक बार ये देखिए लेपर्ड का बच्चा और ये चाहे कहा ले रहे हैं। और कुछ खास इस एरिया के बारे में आप बताएं, लेपर्ड्स की कितनी मूवमेंट है इधर? लेपर्ड्स हमें काफ़ी मात्रा में है और अनोल्डा में यानी कि लेपर्ड सफारी बनी रहा है, जयपुर में लेपर्ड सफारी बन रहा है। हाँ जी बिल्कुल बने रहा है। और यानी कि जाना डोंगरी है ना, जाना डोंगरी से अपने जी जी जाना डोंगरी वहाँ से लेंगे जल्दी बार है यहाँ पर। अच्छा ये पूरा लेपर्ड सफारी, फिर जिप्सी सफारी हुआ करेगी, तो टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा, कार्य चल रहा है इसका। और वैसे नॉर्मल डेज में जैसे भी इस गर्मी का दिन चल रहा है तो शाम के टाइम में लेपर्ड्स की मूवमेंट शाम के टाइम में आते हैं, तो इन सब एरिया में आ जाते हैं क्या? आगे मंदिर है, इंदिरा बालाजी मंदिर है जी, मंदिर पे जो पानी का पानी की खेल वगैरह बनी हुई है। अच्छा अच्छा, वहाँ मतलब अक्सर आते हैं पानी पीते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना दोस्तों। आप लोग जब भी इस जगह पर आए तो इनकी दुकान पर रुककर कुल्हड़ चाय का आनंद जरूर लें, है ना, बहुत स्वादिष्ट चाय है। चलिए आप लोग फिर हनुमान जी की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। और ये लोकल है तो इनको सारी चीज़ें पता है, बड़े आराम से इधर घूम रहे हैं। अगर आप मानसूनस में आएंगे तो आपको हरियाली और ज़्यादा दिखेगी इन सड़कों पर। ये देखिए एक तरफ टीले हैं मिट्टी के जो आगे चलकर रेत के टीलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये सब भी रेत ही है लेकिन समय के साथ साथ ये थोड़ी ठोस होती गई है और अब ऐसी शक्ल ले ली है कि इस पर पेड़ पौधे भी उगाए हैं। दोस्तों मंदिर लगभग आ ही चुका है, आपको सामने वो कुछ प्रसाद की दुकानें दिखेंगी और ये इधर इस तरफ रेत के टीले हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां आपको डेजर्ट का टच, जहां आपको जंगल का फील और जहां पहाड़ियों की फील, तीनों लैंडस्केप आपको एक ही जगह पर दिख जाएंगे। दोस्तों ये रहा मंदिर का फ्रंट व्यू और मैं आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये रेत के टीले काफ़ी ऊंचे हैं, बिल्कुल आपको रेगिस्तान की फील देता है। आइए चलते हैं दर्शन करने हनुमान जी का पहले। दोस्तों ये हनुमान जी का वही जगोस्थारी हनुमान जी मंदिर है, क्योंकि अभी हनुमान जी ने वस्त्र धारण कर रखा है इसलिए आपको धनुष दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बहुत ही प्राचीनकालीन मूर्ति है जो खुद से प्रकट हुई थी इस जगह पे और काफ़ी मान्यता है। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि कभी जब भी आपको समय मिले तो आइए और हनुमान जी का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों हमारी दर्शन तो हो चुकी हनुमान जी की और अब मैं आपको जो मंदिर से लगा हुआ रेगिस्तान वाला इलाका है मैं उधर की तरफ आपको लेके चलूँ।
आज मैंने एक गलती कर दी, आज मैं चप्पल पहन कर आ गया, जबकि ऐसे रेतों में चप्पल पहन कर चलना काफ़ी मुश्किल है और रेत काफ़ी गर्म भी है। तो मैं तो खैर आगे नहीं जा रहा, लेकिन आप जब भी आए तो ध्यान रखें कि चप्पल पहन कर ना आए। ये मंदिर के साथ में लगा हुआ जो जंगल है, इस जंगल में मुझे एक काफ़ी पुराना कुआं दिखाई दिया, मैंने सोचा आप सबको दिखा दूं। ये देखिए कुआं काफ़ी गहराई है इस कुएं की, और ये बिल्कुल घने जंगलों में गर्मी बहुत है आज जून के महीने में, और क्या उम्मीद की जा सकती है। अब हम लोग हनुमान मंदिर से निकल चले हैं और अब हमारा अगला पड़ाव होगा भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वो और भी ज़्यादा भीड़ रास्तों पे है। ये तो फिर भी अच्छा है, लेकिन उधर का सफ़र काफ़ी ऑफ रोडिंग से भरा हुआ है, और नॉट ओनली ऑफ रोडिंग बल्कि पूरे एडवेंचर से भरा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे का सफ़र। ये अपने जयपुर शहर में इसको बोल सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, चैन की नींद, ताऊ जी सो रहे हैं चैन की नींद, पेड़ों की ठंडी छाओ में, इन्हें ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, इन्हें प्राकृतिक हवा चाहिए। वो एक कहावत भी है ना, शहर की दवा और गांव की हवा दोनों एक बराबर होती। दोस्तों धनुषधारी हनुमान जी से जब आप आगे आएंगे भूतेश्वर की तरफ, तो डैम को क्रॉस करने के बाद, ढलान को क्रॉस करने के बाद, आगे चलने के बाद आपको एक ऐसा तिराहा दिखेगा जहाँ एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है और एक राइट को जा रहा है, और ये सामने एक छोटी सी इमारत है आंगनबाड़ी पाठशाला। तो आप ध्यान रखना कि हमें यहाँ से लेफ्ट होना है, क्योंकि अगर राइट होंगे तो आगे चलकर एक छोटा सा फोर्ट सा है जिसके दरवाजे पे रोड सड़क बंद हो जाती है। अब शुरू होता है दोस्तों असली ऑफ रोडिंग, जो कि आगे चलकर थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होने वाला है। और आप देखें कितना घना जंगल है अभी, उसके बीच से ये सड़क और सड़क के किनारे ये गांव। ये अब ये भूतेश्वर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और ये रास्ते में एक अभी पुराना सा डैम है, जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि पहले कभी यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या जो भी रीज़न हो, आजकल पानी दिखता नहीं इधर। और ये डैम का हिस्सा है, यहाँ कुछ लोग बैठे ताश पत्ती वगैरह खेल रहे हैं गाँव वालों का। ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से भरा हुआ एरिया है, जहाँ थोड़ी सावधानी से ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। वैसे तो बाइक वाइक भी ईजिली चली जाती है। ये आगे एक ढलान सा आया, भैया ध्यान से चलाना। ये देखिए नींबू के पेड़, नींबू नहीं शायद बील है जो भी है। ये अरावली की पहाड़ियाँ, क्या लंगूर, अच्छा पेड़ों पे लंगूर बैठे हुए हैं भैया, ये उनका ही घर है, इंसानों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये तो शुक्र मनाएं सब लोग कि मई महीने में अच्छी बारिश हो गई जयपुर में, जिस वजह से पहाड़ों पे हरियाली दिख रही है। अदरवाइज मई महीना अगर सूखा निकलता, बिल्कुल ड्राई, तो यहाँ हरियाली का नामो निशान नहीं मिलता इन पहाड़ियों पर। और ये देखिए गांव की लाइफ, और यहाँ गांव में फूलों की खेती हो रही है, गेंदे के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत।
ये क्या लगा हुआ है खेत में? ज्वार। ज्वार, ज्वार की फसल। अभी भी सड़क मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। पीछे जो ढलान मिला वो थोड़ा सा ठीक ही था, ऐसा कुछ नहीं था। आगे थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग मिलेगा हमें। और ये अपने जयपुर शहर से बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे ही बसा हुआ है, ऑलमोस्ट सिटी का ही एक्सटीरियर पार्ट मान सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इधर टूरिज्म को प्रमोट करें। हालांकि चाय वाले भैया ने बताया कि इधर लेपर्ड सेंचुरी इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो जयपुर के टूरिज़्म को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भी जयपुर में लोग आते हैं और अच्छे खासे लोग आने लगे हैं झालाना लेपर्ड सेंचुरी में लेपर्ड देखने। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर भी कई बार आ चुके हैं, और भी कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। तो इधर भी अगर हो जाए तो इस एरिया के लोगों की इकोनॉमी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। गाँव की ज़िंदगी, गाँव में कम से कम शहर के मुकाबले सुकून तो है, और कुछ ना हो शुद्ध हवा तो मिलती है इनको। ये वो बोर्ड है, एक्चुअली मैं आप लोगों को दिखा रहा था तभी वो एक गाड़ी वाले आ गए, उसमें तीन चार लोग थे, वो मुझसे विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता पूछ रहे थे। तो मैं प्रॉपर, ये देखिए ये एक बोर्ड है और यहाँ से आपको राइट होना है। अगर आप लेफ्ट हो जाएंगे तो दिल्ली रोड पे जो नाहरगढ़ सेंचुरी है, जो चिड़ियाघर है नाहरगढ़ का, वो दिल्ली हाईवे पे आप निकल जाएंगे। तो आपको इस बोर्ड से राइट होना है अगर आप विश्वकर्मा एरिया से आ रहे हैं तो। बिल्कुल घने जंगलों से गुजर रहे हैं हम लोग, और यही है, बड़े बड़े पत्थर है, तो ड्राइविंग बहुत संभल कर करनी पड़ रही है। और ये शायद कोई एक और पूजनीय स्थल छोटा सा। धीरे और जैसे ही सनसेट होता है, सूरज गया, थोड़ा अंधकार जैसे ही चालू हुआ, उन पहाड़ियों से या आसपास की पहाड़ियों से लेपर्ड्स और हाइनास नीचे उतरते हैं पानी की तलाश में और शिकार की तलाश में। दिन में गर्मी इतनी होती है, वो भी पहाड़ों पर कोई ठंडी सी छाँव में वो बैठकर आराम करते हैं। वैसे भी लेपर्ड्स नॉकटर्नल क्रिएचर हैं और रात को ही शिकार करना पसंद करते हैं। एम्ब्यूश हंटर हैं, घात लगाकर रात को ही शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और चूंकि अभी गर्मी इतनी है तो कोई बड़ा वाइल्ड लाइफ मैमल हमें दिखा नहीं, लेकिन सभी जंगल के अंदर हैं छाँव में। सबकी मूवमेंट शाम को ही शुरू होती है, या तो शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम में। और अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है 100-200 मीटर ही। ये मोर की कॉल, नेचुरल उसकी आवाज़ है, अलार्म कॉल नहीं है। इधर लेफ्ट देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो मंदिर का गुंबद हमें तो दिखना शुरू हो गया। इन मोबाइल के कैमरे में मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक साइड जय हो भूतेश्वर।
गर्मी आज भयंकर है। आप जब भी प्लान करें इधर, अगर गर्मियों के महीने में आ रहे हैं तो दोपहर को अवॉइड करें, मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग विल बी द बेस्ट है। और ये जंगल के बीच में एक हैंडपम्प बना हुआ है उन पहाड़ियों पे, कितना डीप बोर किया होगा। बस अब थोड़ी दूर में आने ही आना होगा मंदिर धोतेश्वर महादेव का, जो बताते हैं 2000 साल पुराना शिवलिंग है और जो बिल्कुल नेचुरली किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि धरती के अंदर से खुद से ही प्रकट हुए थे महादेव। मेरा मेन मकसद आपको इधर की रोड्स दिखाना है कि आप जब भी आएँ तो उसी हिसाब से प्लान कर कर आए। ये भी कोई एक मंदिर, कोई पूजनीय स्थल, और इस घने भी हवान जंगल में भी आपको कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए सामने लंगूर बैठे हुए हैं, हनुमान जी का रूप। ये कुछ मोर, वहाँ छोटा सा एक पानी का स्रोत है, वहाँ पे मोर है और मोरनी। राइट, यहाँ इस पॉइंट पर आकर आपको एक छोटा सा पीला सा येलो कलर का एक बोर्ड दिखाई देगा, और जिस पर बहुत ही धुंधले अक्षरों में आपको, क्योंकि पेंट मिट भी गया है, लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए गर्मी का ये आलम है कि ये बेचारे भी लंगूर पेड़ की छांव में रिलैक्स हो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और बंदरों की, लंगूरों की एक खासियत होती है, ये ग्रुप में रहते हैं, और इनमें से जो एक वॉचमैन ऑलवेज होता है जो शिफ्ट में करता है, जैसे ये पूरे ग्रुप में यहाँ बैठे हैं तो उनमें से कोई एक सीनियर मेंबर ऊपर होगा पेड़ पे, जो आसपास की निगरानी रखता है और किसी भी प्रेडेटर के मूवमेंट में इनको एक अलार्म कॉल देता है, और वो बाकी सारे लंगूर और बंदर अलर्ट मोड में आ जाते हैं। फिर वो जब थकता है तो किसी दूसरे की ड्यूटी लगती है, तो ऐसा ही चलता है इनका सेफ्टी का प्रोटोकॉल। ये हम पहुंच गए भूतेश्वर महादेव मंदिर। तो हमने तो दर्शन कर लिया भूतेश्वर महादेव का, और चूंकि मंदिर प्रांगण में मैंने कैमरे का इस्तेमाल उचित नहीं समझा, और आगे एक वृद्ध महिला थी जो पुजारी परिवार से ही थी, तो उन्होंने भी मुझे वीडियो बनाने से मना किया, इसलिए मैं मंदिर परिसर में वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया। लेकिन अब मैं मंदिर परिसर, मतलब मंदिर का जो मुख्य भवन है उससे अभी हूँ, तो मंदिर परिसर में, लेकिन मंदिर के मुख्य भवन से दूर हूँ, गाड़ी में बैठ चुका हूँ। और ये देखिए इनकी महासभा अभी तक चालू है, और ये भी बड़ा अच्छा है कि एकदम पहाड़ी और पथरीले जगहों पर अचानक से बीच में एक समतल सी जगह है, जो मैदान सा बिल्कुल घास का गलीचा सा बिछा हुआ है। लेफ्ट होना आगे, अभी मैं आपको थोड़ा और नज़दीक, जिसमें गाय वगैरह चल रही है। आमतौर पर लोग जो आते हैं वो जंगलों के, जो खासकर बंदर, लंगूर या नीलगाय, हिरन, इनको कुछ खाना पीना दे कर जाते हैं। वैसे तो ये देखने में लगता है कि बड़ा ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये
वन्य अधिनियमों के खिलाफ है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इससे होगा क्या कि पशुओं की निर्भरता अपने भोजन के लिए इंसानों पर बढ़ती जाएगी, जो कि अंततः उनके लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, कई लोग घर से घी, तेल, पक्का तला भी इनके लिए कतई भी उचित नहीं है। इसीलिए हमें जंगली जानवरों को कुछ भी खाद्य सामग्री देने से बचना चाहिए। अब ये नंदी महाराज भी आ गए यहाँ पर। महादेव जहाँ हो वहाँ नंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चला जाए, चले। चलिए अब हम अपना आज का सफ़र भूतेश्वर महादेव का वापस शहर की तरफ, विद्याधरनगर की तरफ निकलते हैं। अगर रास्ते में कुछ रोचक दिखा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग वापस पहुंच गए विद्याधर नगर में, मणिपाल हॉस्पिटल के पास। एक नंबर। तो आज का सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।